नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे ना, उसका एक हवा काट दिया था। सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये खबर फैला दी कि देखिए नीतीश कुमार जो है अपने से छोटे व्यक्ति के पैर छू रहे हैं, मतलब एज में खुद से छोटा बताया गया था प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश से, और कहा कि देखिए अपने से छोटे उम्र के आदमी के पैर छू रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से बड़े हैं, पूरे लगभग 1.5 साल के करीब प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से बड़े हैं। तो इस कारण जो है नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे और ऐसा चल जाता है। जिसके बाद कल एक और तस्वीर वायरल हुई, उस तस्वीर पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये सवाल जो है विपक्ष से है, क्योंकि विपक्ष ने इस बात को उठाया था कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी के पैर क्यों छू रहे हैं आखिर। तो कल भी एक तस्वीर वायरल हुई, तो ये बात तो आप सभी को पता चल गई होगी कि अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की मंत्री थी अतिशी जल मंत्री, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दिल्ली की अब मुख्यमंत्री हैं अतिशी। तो अतिशी ने कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। अतिशी भी एक मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। ना ही इस बारे में बीजेपी ने कुछ बोला, क्योंकि बीजेपी को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा कल्चर है अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के पैर छूना। बीजेपी को इस चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ा, सीएम अतिशी ने जब केजरीवाल के पैर छुए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भाई सब सही चल रहा है, पैर छुए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे ना, तब इन्होंने हवा काट दिया था कि देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। जिसके बाद फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। तो आज एक भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट की बात की, कहा कि 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी होने वाले हैं, और बीजेपी और आरएसएस का बनाया गया रूल जिसके अनुसार 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना होगा राजनीति से, उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी को जो है अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। 75 साल उनकी एज होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की 74 साल फिलहाल एज है, मतलब 75 साल लगभग पूरे ही हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, पर अमित शाह ने मना करा। तो इस पर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है कि आकर अमित शाह क्यों मना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। अभी तो 100 दिन ही हुए हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, ये कार्यकाल तो उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, अगले कार्यकाल में जब बीजेपी जीतती है नहीं जीतती वो अलग बात है, अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी अगले कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई नया चेहरा हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर आएगा, वो चाहे अमित शाह हो सकते हैं, चाहे वो सीएम योगी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट नया चेहरा हमारे सामने निकल करके आएगा। हालांकि अब देखते हैं, जैसा भी होता है प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकाल में तो देखिए रिटायरमेंट लेने नहीं वाले, अगले कार्यकाल में हमारे सामने ऐसा देखने को मिल सकता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया। पर लेकिन इस बात पर भी आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे सीएम अतिशी ने केजरीवाल के पैर छुए, क्या इस बात को भी उस तरीके से बढ़ाना चाहिए जैसे कि तब बढ़ाया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी के नीतीश कुमार ने पैर छुए थे, बल्कि इसकी कॉन्ट्रोवर्सी ना कभी भी खड़ी कर देते हैं। देखिए नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू देते हैं, ये भी कोई राजनीति है, राजनीति में भला कोई किसी के पैर छूता है। तो अभी सीएम अतिशी जी ने केजरीवाल के पैर छुए, इस बारे में भी कुछ कहना चाहोगे तो बता दीजिए। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।